आज हम बनाएंगे गुजरात, सौराष्ट्र और काठियावाड़ की मसालेदार और टेस्टी तिल और लहसुन की लाल चटनी। यह लहसुन की चटनी बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हम लेंगे 20 से 25 लहसुन की कलियां, एक बड़ा चम्मच तिल, आधा चम्मच नमक, एक चम्मच चीनी, 4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 30 ml मूंगफली का तेल। तो अब हम लहसुन की चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम खलबत्ते में 8 से 10 लहसुन की कलियां और थोड़ा नमक डालकर अच्छे से कूट लेंगे। नमक डालने से लहसुन जल्दी से कूट जाएगा और खलबत्ते से बाहर भी नहीं उछलेगा। हम इस तरह से थोड़ा लहसुन और थोड़ा नमक डाल के कूटना जारी रखेंगे। आप देख सकते हो कि लहसुन को कूटने से लहसुन का तेल निकल रहा है। लहसुन की चटनी का टेस्ट जितना खलबत्ते में कूटने से आता है उतना मिक्सर में पीसने से नहीं आता है। अब हमारा लहसुन कूट कर तैयार है तो उसमें हम एक चम्मच चीनी डालकर अच्छे से कूट लेते हैं। चीनी मिलाने से चटनी का तीखापन कम हो जाता है और स्वाद बेहतर होता है। चीनी वैकल्पिक है, यदि आप नहीं चाहते हैं तो आप उसे छोड़ सकते हैं। अब लहसुन की पेस्ट में हम एक बड़ा चम्मच तिल डालें और उसे अच्छे से कूट लें। तिल डालने से चटनी का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। तिल और शक्कर अच्छी तरह से कूटने के बाद उसमें 1/3 कश्मीरी मिर्च पाउडर मिलाते हैं। आप कश्मीरी मिर्च पाउडर की जगह सादी मिर्च भी ले सकते हो। यदि आपको चटनी ज़्यादा तीखी बनानी है तो और ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर ले सकते हो। कश्मीरी मिर्च कम तीखी होती है और उसका रंग भी अच्छा होता है। अब हमारी लहसुन की चटनी कूट कर तैयार है तो इसमें हम थोड़ा तेल डालकर मिलाते रहेंगे। तेल डालने से लहसुन की चटनी अच्छी और फूल जाती है। आप जिस तरह से चटनी को गाढ़ा या पतला रखना चाहते हैं उतना तेल मिला सकते हो। लहसुन और तिल फाइबर से भरपूर होते हैं। आप इस चटनी को 15 से 20 दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। लहसुन और तिल रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने में मदद करते हैं। इस लहसुन की चटनी को बनाने में केवल 5 से 7 मिनट ही लगते हैं। अब इस चटनी को एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमारी मसालेदार और स्वादिष्ट लहसुन की चटनी तैयार है। आप इस लहसुन की चटनी को थेपला, ब्रेड, चावल की रोटी, ज्वार और बाजरे की रोटी, उबले हुए मूंग और उबले हुए गवार के साथ भी खा सकते हो। और विशेष रूप से गुजराती ढोकला इस लहसुन की चटनी के बिना अधूरे हैं।